सी मुंबई की पब्लिक, ये देखो, ये अपना गांव का थोड़ा शूट एक किया था नॉर्मल, जिसका वीडियो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये है हमारे बुधई, ये हमारा घर, ये हमारे गांव की मस्जिद, और ये जो छत पे दिख रहा है ना, सब धान सुखा रहे धान। चलो आगे का वीडियो देखो और इन्जॉय करो, क्या फुटेज मिलता है क्या नहीं मिलता है। जो भी सजेशन हो यार सजेशन दो, सबसे पहले जो लाइक नहीं कर रहा है लाइक करो, उसके पहले कमेंट करो, उसके पहले तो रेड वाला बटन है ना उसको दबाओ, फटाफट दबाओ, सब्सक्राइब करो उसको। उसके बाद में ड्रोन का पहला वीडियो है, जो ड्रोन लेने के बाद से मैंने अभी तक कोई ड्रोन शॉट डाला नहीं था, वो अभी ये वीडियो में आपको देखने मिल जाएगा। इसमें पूरा का पूरा ड्रोन शॉट ही है, बाकी अदर कोई कैमरा मैंने यूज़ ही नहीं किया है। ये मेरा घर है, ये सामने जो दिख रहा है वाइट कलर का, ये हमारा मदरसे का रोड है, ये एक छोटा सा तालाब है जहाँ से पानी निकाल के लोग खेती करते हैं, और ये जो खेत दिख रहे हैं वो सारे धान वो होता है कि जो जिसमें से चावल निकलता है वो धान होता है, तो ये धान की खेती है। ये हमारा मदरसा है, और ये सामने देखो टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे शादी मतलब घर है, घर के बाजू में ही टेंट लगा देते हैं ऐसे ही लोग। मुंबई के तरह तो ऐसा होता नहीं है कि सब आओ और उसके बाद में बैठो और खाओ और चले जाओ, हॉल वाला सिस्टम होता नहीं है गांव में। लोग आते हैं ऐसे टेंट बांधा जाता है, उसके बाद में चले जाते खाते पीते आराम से। आज भी देखो ऐसे लोग लकड़ी चीर के काम चलाते हैं, ये मैं और मेरा भाई आसिफ, ये छत से और कुछ बच्चे मज़े लेते हुए, ये हमारे बड़ी अम्मी का घर। हमारा बहुत छोटा सा गांव है, ये गांव के बाहर देखो हरियाली, मतलब व्यू देखो यार। आप लोग क्या करते पता है, इतना पैसा खर्चा कर देते सिर्फ ये व्यू देखने के लिए, लोग लद्दाख जाते कहाँ जाते कहाँ जाते, पर हम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग अपने घर चले जाए वहीं से सब दिख जाता है। आसमान से लेके ज़मीन से लेके पेड़ पौधे से लेके हरियाली तक सब मेरे घर पे है। ये देखो मेरे घर के अंदर यहाँ तक तीन पेड़ लगे हुए हैं, तो सोचो ग्रीनरी ऑक्सीजन लेवल मतलब क्या लेवल का होगा वहाँ पर, वहाँ के लोगों की लाइफ लाइन क्या रहेगी। गांव के लोग नॉर्मली 110 100 साल तक जाते हैं, मुंबई के लोग यार 50-60 में क्या हो जाता है ये लोगों को पता नहीं, 50-60 के ऊपर जाना मतलब बहुत भारी पड़ जाता है इनको। अब ये था एक 360 व्यू, ये अभी चाचा से लेते थोड़े मज़े, चलो आगे चलते। ये चाचा तो डंडा उठा के तैयार है, मेरी तो फट रही थी भाई कहीं मार वर ना दे, ये तो 50-60 हज़ार की अगरबत्ती सुलगानी पड़ जाएगी। ये देखो अभी चाचा तो फिलहाल डर रहे, ये देखते रहो आगे देखो। ये चलो थोड़ा और पास चलते, ये देखो चाचा को लग रहा है कि मतलब क्या आ गया, ये पहली बार देखा, उसके पहले देखा नहीं है इन्होंने। ये देखो अब ये समझ गए कोई ऑपरेट कर रहा है। अब ये इनकी तो ऐसी बुरी फटी थी लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, दो बाइक वालों को पकड़ के रुका लिए थे ये। सबसे ख़तरनाक अगर कोई डरा है तो वो मिस्टर बुधई, उससे बुरा कोई अभी तक डरा ही नहीं है। ये मेरा पूरा गांव है जिसमें 20 से 22 घर है मुश्किल से, ये मिस्टर बुधई, इनकी बात कर रहा था, इन्हीं की तारीफ़ हो रही थी अभी। ये देखो ये अभी इनके सर के ऊपर टच कर देंगे, रुको, ये सर के ऊपर से, ये देखो सर को जाते हुए ये बंदा लकड़ा वकड़ा उठा रहा था, कहीं मार देता तो फिर काम हो जाता। चलो ये चाचा को थोड़ा मज़े लेते थोड़े, ये चाचा भी डर के खड़े हो गए। ये देखो इनकी तारीफ़ कर रहा था मैं, ये चाचा और ये बच्चे दिख रहे हैं, देखते रहो। ये लोगों ने तो पत्थर वत्थर उठा लिया था भाई, फेंक फेंक के मार रहे थे, वो तो मैंने ऊपर ले लिया, नहीं तो मैं बोला भाई गांव वाले ना आधे तो अनपढ़ होते हैं, उनको पता नहीं होता, और वैसे भी मैं मज़े ले रहा था तो उनकी गलती नहीं है। ये देखो शाम का टाइम व्यू देखो, मतलब सनसेट देखने के लिए कोई पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता हमको, हमको सिर्फ अपने छत के ऊपर जाना है, वहाँ से सनसेट भी दिख जाता है। यहाँ से लोग लोनावला जाते हैं, वहाँ जाके सनसेट देखते, पहाड़ी के ऊपर चढ़ के सूरज डूबता हुआ देखते, हम लोग अपने घर के ऊपर से देख लेते। ये कंपाइन दिख रही है, ये भी हमारे चाचा की है,
ये देखो, ये इनका गोडाउन है जहाँ पर ये खड़ी रहती है। मतलब 8 महीने खड़ी रहती है, सिर्फ 4 महीने ही काम होता है। ये हमारे गांव के ऑपोजिट वाला गांव है, जिसमें मतलब नॉन मुस्लिम सारे रहते हैं, बट ऐसा है कि कोई भी अगर काम पड़ता है तो यहाँ पर मिस्त्री विस्त्री मिल जाते हैं। और ये हमारे गांव का चौराहा मेन, जिसको पॉइंट बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट है एक, जहाँ पर दो चार डॉक्टर है, दो चार किराने की दुकान है, एक दो चाय की दुकान है, टपरी है, और नॉर्मली एज़ यूजल पान बीड़ी शॉप तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर आधे लोगों का आधा दिन चले जाता है, बाकी का दिन तो ऐसे ही टाइम पास में चले जाता है। ये देखो, ये लोग की स्माइल देख के ना यार, बहुत मतलब ऐसा दिल को ना खुशी मिली थी। ये देखो, ये अभी हंसते हुए देखना इनको, बस ये खुश बंदे लोग, मतलब स्माइल इतनी खतरनाक कर रहे थे ना, पूछो मत। जो जो आप लोगों को सजेशन लगता है ना, ये शॉर्ट्स ऐसा है कि मैंने बस ले लिया, आप लोग इन्जॉय करो, देखो क्या है। ये देखो, बहुत शांत गांव है यार हमारा, बट ये है कि ज़्यादा टाइम मैं रह नहीं पाता हूँ। ये मेरा घर है, ये बच्चे देखो, मेरे पूरे गांव में इतने ही बच्चे हैं जितने मेरे आसपास दिख रहे हैं, 6-7-8, और बड़े लोग में सिर्फ 4-5 लोग हैं जो हम लोग थे। थोड़ा इनके मज़े ले ले, इनकी स्पीड बढ़ गई है वैसे तो। ये देखो ये इनकी हालत हो गई थी खराब। थोड़ा इनके भी मज़े ले लें अब, चलो ये नज़दीक से थोड़ा। ये मेरे एक भाई की शादी थी, जहाँ पर ऐसे ही ड्रोन शूट किया था, थोड़ा सा नॉर्मल वीडियो भी बनाया था, बट वो वीडियो मैंने उसको फॉरवर्ड किया ही नहीं अभी तक। ये उसकी बारात का वीडियो है, ये जहाँ पर जिस गांव में उसकी शादी हुई है उस गांव का वीडियो है। यहाँ पास में एक तालाब है, ये इसके बाजू में हम लोग बैठे थे, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम था। गाँव के घर देखो इतने बड़े बड़े होते हैं ना, ये देखो। ये प्रधान जी हैं व्हाइट शर्ट वाले, और ये मेरे चाचा है जो ब्लैक शर्ट में बैठे हैं, और वो अपना भाई है। ये हम वापस आ गए अपने गांव में। अभी एक ऊपर से थोड़ा एंगल से लेते हैं, ये देखो, ये जो चॉकलेटी चॉकलेटी दिख रहा था ना, थोड़ा बैक फॉरवर्ड करके देखोगे दिखेगा, तो वो धान है, जो कि पहले ही मैंने बताया, धान सुखाया जाता है, उसके बाद उसमें से चावल निकलता है सारा बाकी। अब ये देखो, यहाँ पर जो येलो दिख रहा है वो धान हो चुका है, जो ग्रीन दिख रहा है वो थोड़ा कच्चा है, 2-4, 10-15 दिन बाद वो ऑरेंज हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा, सॉरी येलो कलर टाइप में हो जाएगा, तो फिर वो काट के फिर उसमें से चावल निकलेगा पूरा। और ये मेन गांव है, ये सबसे बड़ा गांव है, जो बांसखोर जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा बड़ा गांव है। उसके आजू बाजू में से 7 गांव हैं, वो 7ों गांव में से एक गांव हमारा है। ऐसे छोटे 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 मतलब गांव है जिसे वो घिरा हुआ है, ये मेन गांव है पूरा। अब ये एक और व्यू, ये 15 फुट की ऊंचाई से शायद से लिया है मैंने, क्योंकि उसके ऊपर तो हाइट अलाउड नहीं है, और उसके ऊपर रिकॉर्ड करता भी नहीं है। DJI का मैंने बहुत यूज़ किया है, लेकिन इसके ऊपर जाके रिकॉर्ड करना मतलब मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली 15 फीट की हाइट बहुत हो जाती है यार। ये देखो, ये 15 फुट की हाइट है, ये अब नीचे ले रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, हैक करके देखा, मतलब सब चीज़ें ट्राई कर ली कि जिसमें कुछ ज़्यादा हाइट में ले लूँ, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। हुआ था, ऊपर तक गया था, बट वो रिकॉर्ड भी हो रहा था, उसके बाद में वो रिकॉर्डिंग मुझे मिली ही नहीं, क्योंकि वो कम्युनिकेट शायद नहीं कर पाता इतना ज़्यादा हाइट पे, अलाउड नहीं है वैसे भी इंडिया के अंदर 15 फुट के ऊपर उड़ाना, ड्रोन विदाउट परमिशन। ये देखो, सुपर वाइड एंगल है, छोटा सा कैमरा क्या कमाल करता है यार, मतलब व्यू देख रहे हो, खतरनाक एंगल व्यू, सब एक नंबर है।
चलो चलते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो का लिंक सबको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए। अब चैनल तो हमारा मोनेटाइज हो चुका है, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है पहले भी, तो अब क्या करना है कि अब एक राइड में प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो कि नेक्स्ट राइड मेरी होने वाली है, उसकी अपडेट आपको इंस्टाग्राम की आईडी पे मिल जाएगी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है राइडर ऑफ आमची मुंबई सेम, जो कि यूट्यूब की आईडी है वही सेम इंस्टा की आईडी है। तो जाओ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो।